1/s2 + 1/s3। तो बच्चों ने ये समझ लिया कि ऐसे में 3/1/60 + 1/30 + 1/50 आंसर होगा। बच्चे को एक चीज और समझ में आनी चाहिए जो बच्चे ने समझने की कोशिश करी कि अगर मैं तुमको थोड़ा समझाऊं कि नॉर्मली टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ व्हाट प्लेटफॉर्म, तो हम ये बात बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन, टाइम ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू L1 + L2 अपॉन में व्हाट स्पीड ऑफ द ट्रेन। जब दो ट्रेन्स T1 और T2 सेम डायरेक्शन में दौड़ती हैं, तो दोनों ट्रेन ट्रेन 1 और ट्रेन 2 सेम डायरेक्शन में दौड़ती हैं, तो टाइम इज इक्वल टू L1 + L2 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ ट्रेन्स अपॉन में S1 - S2 अपॉन में कितना S1 - S2 ये तुम्हारा टाइम आएगा। सर यही दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन दौड़ती है तो यहाँ पे तुम्हारी ट्रेन 1 है और अगर ये तुम्हारी ट्रेन 2 है, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती है तो टाइम इज इक्वल टू L1 + L2 अपॉन में S1 + S2। बच्चे को एक चीज थोड़ी और समझनी चाहिए इन सबके साथ, बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अगर मैं बात करूं तो जब भी आप अपस्ट्रीम जाते हैं तो व्हाट यू मीन बाय अपस्ट्रीम, तो पहले तो अपस्ट्रीम कंसेप्ट चलता ही है, पहली बार तो ये शुरू हुआ था बोर्ड से लेकिन आजकल ये यूज प्रैक्टिकली रेगुलर यूज भी आता है। बट अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब आप पानी के अंदर नाव को तैरा रहे हो और अगर नाव तैर रही है तो एक तो स्पीड ऑफ बोट होती है, हम नॉर्मली स्पीड ऑफ बोट मानते हैं एक्स और एक पानी का बहाव होता है, ठीक है, उसको हम मानते हैं उसकी पानी के बहाव की स्पीड को मानते हैं हम वाई, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, अपस्ट्रीम मतलब पानी का बहाव इस तरफ है और आपकी नाव इस तरफ जा रही है, तो ऐसे में आपकी स्पीड क्या होती कम। तो अपस्ट्रीम में जब भी अपस्ट्रीम का आपको टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम इज इक्वल टू आएगा डिस्टेंस अपॉन में x - y, कि तू जा इधर रहा है पानी आ इधर रहा है। जब डाउनस्ट्रीम की बात करें, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, तुम पानी जा भी इधर रहा है और तुम्हारी नाव भी कहां जा रही है इसी तरफ जा रही है, तो नाव भी इस तरफ जा रही है, मतलब पानी का बहाव और नाव का बहाव सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे में डाउनस्ट्रीम में तुम्हारी स्पीड क्या होगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में x + y। बोलो कोई डाउट तो नहीं है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रेन्स सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। एक बात बोल दी जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बेटा, ये बात ध्यान रखना कि जब स्पीड ऑफ ट्रेन चेंज होती है और से टाइम चेंज होता है, कैन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 2 hours less than एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 2 hours less than फ्रॉम अ पैसेंजर ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर। अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या है सर, इसका मतलब डिस्टेंस तो आपने बता दिया, वापस से ही मैंने क्वेश्चन कराया था अभी तुमको पहले, तो दोनों केस में डिस्टेंस तो सर 420 किलोमीटर ही है, बस पहले ट्रेन की स्पीड क्या थी x, बाद में ट्रेन की स्पीड क्या थी। अगर तुमको बोला कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है 11 किलोमीटर ज्यादा, कितने किलोमीटर ज्यादा, ऐसे में टाइम का डिस्टेंस कितना आ रहा है 2। एन एक्सप्रेस ट्रेन हूज स्पीड इज 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours less than देन अ पैसेंजर ट्रेन। फाइनली अब इसका मतलब टाइम का डिस्टेंस कितना है 2, स्पीड का डिस्टेंस कितना है 11, डिस्टेंस वही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, 420 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/x - 1/x + 11 = 2। ठीक है, ये पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कवर होता है, एक बार उसको उतार लो और सीख लो, ठीक है।